सामने देखे ना आप सूर्योदय हो रहा है मस्त करके। मॉर्निंग के करीब बजे हुए, अभी मॉर्निंग के 7 बजे हुए, तो अभी ये सूर्योदय हो रहा है और हम लोग हैं फैजाबाद रोड पे। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो फिलहाल आज संडे के दिन मैं मतलब ऐसा लखनऊ आया हूँ, तो फिर बहुत बार मैं सोचा कि मैं अयोध्या जाऊँ, फिर सोचता था कि मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या जाऊँगा, लेकिन क्या है ना कि मंदिर जाने कब बने और मैं लखनऊ छोड़ के कब चल चले जाऊँ, उसकी कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना हम आज मम्मी पापा लोग भी साथ में हैं तो निहारिका भी साथ में है, तो मैंने कहा क्यों ना सब लोग एक साथ अयोध्या घूम के आते, देखते हैं राम मंदिर कैसा बन रहा है आखिरकार वहाँ पर भी। तो ये तो मन में बड़ी उत्सुकता है, बोल रहे कि भव्य मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, तो यही देखने के लिए वाला भव्य मंदिर अभी शायद नहीं बना हुआ है, पर रहेंगे देखो कितना बनेगा। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ, फिलहाल हम लोग हैं अभी लखनऊ में और यहाँ से जा रहे हैं अयोध्या। तो सामने का नज़ारा है कुछ ऐसा, अब शिवरात्रि आने वाली है तो कांवड़िए से जा रहे लगे हैं धीरे धीरे रोड के किनारे, देखिए आप। तो ऐसा मतलब अभी सुबह मॉर्निंग का वो है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो है करीब 110 किलोमीटर, लेकिन गूगल मैप दिखा रहा है 140 किलोमीटर। देखते हैं हम लोग कि हम लोग कितने पहुँचते, 7 बजे हम लोग निकले हैं और मे बी हम लोग का एक ही दिन का टूर रहे यहाँ तक। अब यहाँ से एक 2 ब्लॉक में बनाऊँगा, एक बनाऊँगा यहाँ से लेके अयोध्या से लखनऊ से लेके अयोध्या तक, और सेकंड दूसरा भाई ब्लॉक बनाऊँगा जो बताऊँगा आपको अयोध्या से। तो स्टे ट्यून ऑन ब्लॉक, देखते हैं यहाँ का रास्ता कौन कौन से शहर पड़ते हैं इस रास्ते में और कैसा है रास्ता। अयोध्या नगरी में उत्तर प्रदेश पैटर्न आपका स्वागत करता है लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है अयोध्या 10 किलोमीटर
थिएटर का ना हिसाब किताब सब गड़बड़ हो जाता है। अब धीरे धीरे ट्रैफिक पूरा पड़ गया रोड पे। सुबह सुबह जल्दी निकल के फायदा हुआ कि हम लोग ने अपनी जो शुरुआत आई हुई रही कितना सही टाइम पे कर ली थी। अभी क्या है कि अभी ट्रैफिक बढ़ गया थोड़ा देर करते तो फिर देर मारते थे। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या। देखिए एंट्री हो चुकी है हमारी अयोध्या शहर के अंदर। जो मेन हाईवे था हमने छोड़ा, वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर आए, वाला रास्ता टूटा फूटा था। अब हम लोग आए हैं अयोध्या के अंदर। मैं सोचा कि अयोध्या का इतना ज़्यादा मतलब अयोध्या फेमस है और रास्ता इतना गंदा है, लेकिन वो क्या है, वो बाईपास टाइप का था अंदर को, लेकिन अंदर की सड़क देखिए आप, अयोध्या शहर की अंदर की सड़क काफ़ी अच्छी। तो हम लोग ना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अला फिर ब्लॉग ना बड़ा बन जाता है तो फिर आप लोग पूरा देखते नहीं हो, तो मेरा वॉच टाइम सब इम्प्रेशन सब कुछ आ पाता है। तो ये जो ब्लॉग था ये था लखनऊ से अयोध्या तक का सफ़र। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको पूरा अयोध्या का कराऊंगा टूर, और एक दिन में पूरा अयोध्या कैसे घूमते हैं तो आपको पूरा नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।